हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहां पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं अन एकेडमी पे यूजी के कोर्सेस ले रहा हूं, नीट यूजी के। तो आप में जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप बोल दीजिए कि 12th के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अन अकेडमी पे ब्रांडेड नोट्स, ये नया एक पैटर्न शुरू हो गया है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से ब्रांडेड नोट्स मिल जाएंगे अन अकेडमी के। फिर अन अकेडमी पे बम्पर ऑफर अभी शुरू है, जहाँ पे आप 3 महीने के लिए अगर बाय करते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री मिल जाता है। तो बहुत सारे ऑफर्स अन अकेडमी पे चालू रहते हैं। यहाँ पे अन अकेडमी का एग्ज़ाम्स होता है, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, टेस्ट होता है, क्विज़ होता है, तो बैचेस भी है कुछ बैचेस। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पार्क बैच, ओके स्पार्क बैच, ये है नीट यूजी 2021 स्टूडेंट के लिए। फिर नेचर एक बैच है जो कि आपका नीट यूजी 2023 के लिए है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे एडुकेटर्स हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके एक एग्ज़ाम दे सकते हो, अन अकेडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट, जो कि एवरी संडे होता है 11 AM को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड है, आप omkar_96 ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये वाला पोस्ट जब से अमित देशमुख सर ने कल से किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, अच्छे से नहीं समझ रहा है। सब लोग बोल रहे थे, सर वीडियो बना के बताओ एक्चुअली क्या है। तो महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ मार्फत घेण्यात येणाऱ्या हिवाळी 2020 परीक्षा येत्या 10 जूनपासून सुरू होणार आहेत। या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्याची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह निघाल्यामुळे परीक्षेस अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विशेष परीक्षा घेण्यात येईल। अशा विद्यार्थ्यांचा अनुपस्थित राहिल्याचा बद्दल प्रयत्न मोजण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना केल्या आहेत। त्यानुसार विद्यापीठ परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे। मतलब जो भी स्टूडेंट अभी पॉझिटिव्ह आएंगे आपका कोविड टेस्ट के बाद, उनका अभी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसका जो भी एग्ज़ाम रहेगा वो एक स्पेशल बैच बना के जिन जो जो पॉजिटिव थे उनका अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो विंटर में ही अटेम्प्ट होगा। कोविड-19 आजाराचा अहवाल सकारात्मक आल्यामुळे अनुपस्थित राहील अशा विद्यार्थ्याची सदर हिवाळी 2020 लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा झाल्यानंतर विशेष परीक्षा घेण्यात येईल। सदरील परीक्षेसाठी अनुपस्थित असल्याचा प्रयत्न घाया धरला नाही, ठीक आहे। मतलब यहाँ पे वही दिया है कि आप अगर कोविड पॉजिटिव अगर होते हो और आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही ये विंटर एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा और तभी आपका जो भी है वो सब्जेक्ट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या होगा, क्या हम लोग पॉजिटिव आए तो अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिनों के बाद आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे रूमर्स के ऊपर आप ध्यान मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर एग्ज़ाम होगा ही नहीं, 6 मंथ बैक लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसे स्प्रेड करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ।